सदस्यों से सभी कर्मचारी स्ट्राइक पर रहेंगे और शांतिपूर्ण हमारा धरना रहेगा। कोई भी गाड़ी नहीं निकलने दी जाएगी, इस चीज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। इसमें जैसा कि विदित है राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसके अंदर राज्य परिवहन की अलग से कोई हड़ताल नहीं है। उसी में जो रोडवेज की जितनी यूनियन है वो सभी पार्टिसिपेट कर रही है, तो चक्का जाम का मैं समझता हूँ कि कोई औचित्य नहीं है, ना ही कोई ऐसी उनका हमारे पास कोई नोटिस है, ना ही तो हेडक्वार्टर लेवल पे उनका कोई ऐसा है, ना ही डिपो स्तर पे कोई उन्होंने चक्का जाम का हमें नोटिस दिया है। बावजूद उसके मैं पानीपत डिपो की बात करूँ तो हमने सारी तैयारियां अच्छे से कर दी है, सभी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लगा दी गई हैं अधिकारियों की, कर्मचारियों की। मांग हमारी है, एक तो जो रोडवेज के बेड़े में बसें नहीं ला रही सरकार, वादे करती है लेकिन अभी तक कोई बस नहीं आई, और प्रमुख मांग हमारी पुरानी पेंशन की है जो कई राज्यों में लागू कर दी है, लागू तो यहाँ भी होगी, सुप्रीम कोर्ट का भी हमने फैसला आया है, और जो 2016 के चालक हैं पक्के करवाने के, उसमें उनको जो ये उज्ज्वली योजना आई है सरकार की उसमें डालने की तैयारी कर रहे हैं, और एक जो हमारे रिटायर साथी चले गए हैं उनकी बस में फ्री ट्रेवलिंग बंद कर दी गई है, उसका भी पुरजोर से हमारा विरोध रहेगा। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियनों की तरफ से दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है, और ऐसे में रोडवेज विभाग की तरफ से भी, रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से भी दो दिन का चक्का जाम जो है किया जा रहा है, घोषणा उनके द्वारा की गई है। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी है, उसी को लेकर रोडवेज विभाग की किस तरह की तैयारी है, आम जनता को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसी को लेकर पानीपत रोडवेज के जो GM हैं कुलदीप जी, वो हमारे साथ हमसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की तैयारी कल को लेकर। सर ये बताइए, दो दिन की जो चक्का जाम जी किया गया है उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? इसमें जैसा कि विदित है राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसके अंदर राज्य परिवहन की अलग से कोई हड़ताल नहीं है। उसी में जो रोडवेज की जितनी यूनियंस है वो सभी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो चक्का जाम का मैं समझता हूँ कि कोई औचित्य नहीं है, ना ही कोई ऐसी उनका हमारे पास कोई नोटिस है, ना ही तो हेडक्वार्टर लेवल पे उनका कोई ऐसा है, ना ही डिपो स्तर पे कोई इन्होंने चक्का जाम का हमें नोटिस दिया है। बावजूद उसके मैं पानीपत डिपो की बात करूँ तो हमने सारी तैयारियाँ अच्छे से कर दी है, सभी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लगा दी गई हैं अधिकारियों की, कर्मचारियों की, और जिला प्रशासन से भी हमने संपर्क कर रखा है, SP साहब से भी और DC साहब से भी। माननीय उपायुक्त महोदय जी ने ड्यूटी मजिस्ट लगा दिया है, और SP साहब ने भी, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी हम समय पे उपलब्ध रहेगी, और हमने बिल्कुल अच्छी तैयारी कर ली है, और मुझे विश्वास है कि हमारी गाड़ियां सुबह चलेंगी। कर्मचारियों का ये कहना है कि सर कोई भी बस बाहर नहीं निकलने दी जाएगी, गेट के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे। वो बाहर प्रदर्शन करेंगे, हमने स्टे ले लिया है कोर्ट से, और उसमें वो 100 मीटर के से बाहर रहेंगे, यदि अंदर रहे तो उन पर जो विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और कोर्ट के आदेशों की अवमानना करी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबह टाइमिंग क्या रहेगी सर बस निकलने? सुबह पहला टाइम जो हमारा वो हमारा 4:50 का है सिरसा के लिए, दूसरा टाइम जैसे 5 बजे का अलवर वाला है दिल्ली रूट का, और उसके बाद तो रूटीन में चंडीगढ़ की हैं, हरिद्वार की हैं, सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय पे जाएंगी, इस हिसाब से हमने पुख्ता तैयारियाँ कर ली हैं। तो कोई रोड मैप भी तैयार किया गया सर इसमें? यही रोड मैप है जो मैंने आपको बताया है। कोई अलग से कोई ऐसा कोई रूट जिस पर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है? वो तो समय की और परिस्थितियों की बात है, वो सुबह पता लगेगा, कोई ऐसी आई तो उसको मौके पर हैंडल करेंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आमजन को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और अच्छी परिवहन सेवाएं दे पाएँ, और कर्मचारियों से भी मेरा यही निवेदन है कि वो सब अपना बढ़िया तरीके से काम करें और जनता को परेशानी ना हो। विभाग बचाना है तो ये कोई अच्छा एक ऑप्शन नहीं है कि हम स्ट्राइक करें और काम ना करें, हम काम करके ही विभाग को बचा सकते हैं। सभी बस निकाली जाएंगी? हाँ, हमारा तो भरसक प्रयत्न रहेगा जी। सर ये सुनने में आ रहा है कि कुछ जो ड्राइवर है वो अभी दूसरे विभाग में भेज दिए गए? हाँ, उसमें माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय से आदेश आए थे कि उनको उन पे फायर ब्रिगेड पे चाहिए गाड़ियों पे, तो वो हमने 28 आदमियों के ऑर्डर उधर करे हैं।
तो ऐसे में सर दिक्कत है क्योंकि वो कर्मचारी खुद हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पर हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, हमारे पास पर्याप्त ड्राइवर हैं, हम उनकी सहायता से जितना अच्छी से अच्छी सेवा दे पाएंगे हम प्रयास करेंगे कि उनको दे पाएँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो आदेश हैं वो सर्वोपरि है हमारे लिए, और वहाँ भी जनता की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए फायर ब्रिगेड पे ड्राइवर चाहिए थे, तो वो हमारा देना बनता है, उनके आदेशों की पालना की गई है। कर्मचारियों का ये कहना है सर साफ तौर पर कि कोई भी बस बाहर नहीं निकल दी जाएगी, ऐसे में कोई कर्मचारी यदि कानून हाथ में लेता है तो उसको लेकर क्या? कानून हाथ में लेता है तो उसके लिए कानून व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से सर क्या अपील रहेगी? आम जनता से तो अपील यही है कि अपना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा भरसक प्रयत्न है, और भी जो भी हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार माननीय निदेशक महोदय और प्रधान सचिव महोदय के आदेशों के अनुसार जो भी आदेश होंगे उसके हिसाब से एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की जाएगी। सुबह रोडवेज GM कुलदीप जी जिनसे बातचीत हुई है उनका कहना है कि सभी बसें जो है नियमानुसार चलेंगी, किसी प्रकार की यात्रियों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ये खबर पहुँच सके, क्योंकि कल जो रोडवेज का जो है वो 2 दिन के लिए जाम रहने वाला है। कर्मचारियों में उन अपनी मांगों को लेकर काफ़ी रोष प्रदेश सरकार के खिलाफ बना हुआ है और उन्होंने 2 दिन का चक्का जाम की घोषणा की है, और इसी को लेकर जो GM हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है कुलदीप जी से, उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आम जनता को नहीं आने दी जाएगी, इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को जितने भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।